नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। लखनऊ में एनएसजी कमांडोज ने अपना पराक्रम दिखाया और इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी एनएसजी की मॉकड्रिल देखने को मिली, जवानों का शौर्य देखने को मिला। पूरी तस्वीर आगे विस्तार से आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। और जम्मू कश्मीर में 2 दिन में 2 एनकाउंटर हुए हैं जिसमें देश के बहादुर अफसरों की शहादत हुई है। लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर पर एनएसजी कमांडोज ने अपने पराक्रम की झलक दिखाई। यहां पर एटीएस और एनएसजी के कमांडोज ने मिलकर अब तक की सबसे बड़ी मॉकड्रिल को अंजाम दिया और शक्ति प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। लखनऊ के आसमान में एक बार फिर भारतीय वायुसेना के एमआई हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लोगों का चौंकना लाजमी था। दरअसल पिछले 3 दिनों से लखनऊ में एनएसजी कमांडो का गांडीव एक्सरसाइज चल रहा है और आज भी ये उसी ड्रिल का हिस्सा थी। आज की एक्सरसाइज की खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके गवाह बने। पुलिस हेडक्वार्टर में गांडे प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी की गई थी। सीएम योगी भारी सुरक्षा के बीच पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। उनके साथ कई मंत्री और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। मॉकड्रिल से पहले एनएसजी के कमांडो ने ब्रीफ किया और सीएम को ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से बताया। वही पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत की छत पर एनएसजी कमांडो ने पोजीशन ली थी। जैसे ही उन्हें कमांड मिली, सभी हरकत में आ गए। पलक झपकते ही वहां पर एयरफोर्स के एमआई हेलीकॉप्टर की गर्जना सुनाई दी। हेलीकॉप्टर इमारत की छत के बेहद करीब पहुंचा और हवा में थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसके पंखे लगातार घूम रहे थे। उसके बाद एनएसजी कमांडो ने अपने रण कौशल का परिचय दिया जिससे वहां पर मौजूद लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी को नीचे की तरफ फेंका गया जिसके बाद रस्सी के सहारे एनएसजी के कमांडो इमारत की छत पर उतरने लगे। एक एक कर 12 जवान हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। सभी अपने अगले टास्क के लिए तैयार हो गए। बाद में रस्सी को भी वापस हेलीकॉप्टर में खींच लिया गया जिसके बाद हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हो गया। इसके बाद कमांडो बगल वाली इमारत की छत पर दिखे। सभी जवानों को जमीन पर उतरना था और इसके लिए उनकी तैयारी भी पूरी थी। बाद में एनएसजी के जवान फिर एक्शन में आए और रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे। जवानों के कर्तव्य के बीच उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां भी बजती रही। बेहद सतर्कता और एक्टिव तरीके से ये टास्क पूरा किया गया। कमांडो यहीं पर नहीं रुके, मॉक ड्रिल अभी भी बाकी थी। कमांडो हाथों में मशीन गन के साथ अपनी पोजीशन लिए हुए थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। दरवाजे के दाईं और बाईं दिशा में मोर्चा संभालते हैं। अब होती है कमरे के अंदर जाने की तैयारी क्योंकि अंदर आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाया हुआ था और कमांडो उन्हें सही सलामत आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए मुस्तैदी से डटे हुए थे। इतने में कमरे का दरवाजा खोला गया। कमांडो एक दूसरे को कवर देते हुए कमरे में दाखिल हुए और आतंकियों को निशाने पर ले लिया और बाद में कमरे में बंधक बनाए गए लोगों को बारी बारी छुड़ाते हैं। इस तरह मॉक ड्रिल पूरी तरह कामयाब रही। एनएसजी और एटीएस के जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया। सीएम योगी खुद ये मॉक ड्रिल देखने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद सीएम ने एक बार फिर कमांडो से बात की। उन्होंने कमांडो से पूरे ऑपरेशन को समझा। कमांडो ने हालात और उस पर लिए जाने वाले एक्शन के बारे में सीएम योगी को विस्तार से बताया।
एनएसजी कमांडो इससे पहले कई बार अपने जौहर दिखा चुके हैं। एनएसजी यूपी ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी समय समय पर इसी तरह अभ्यास करता है। दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए अपनी तैयारियों को मूर्त रूप देना इस अभ्यास का मकसद होता है। आतंकी वारदातों से निपटने और बंधक बनाने जैसे हालातों में एनएसजी की फोर्स अपना एक्शन दिखाती है। एनएसजी की तैयारियों को परखने के लिए भी ये ड्रिल की जाती है। आतंक और अपहरण के खतरे को नाकाम करने के लिए साल 1984 में आतंक निरोधक बल एनएसजी का गठन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दरअसल एनएसजी के जवान बीते 3 दिनों से मॉक ड्रिल लखनऊ के अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं। पहले विधानसभा भवन की तस्वीर हमने देखी, उसके बाद लोक भवन में भी मॉक ड्रिल देखने को मिली। कुछ ऐसी तस्वीर चारबाग रेलवे स्टेशन से भी सामने आई। वक्त 4 बजे, जगह चारबाग स्टेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एनएसजी लखनऊ पुलिस एटीएस का एक संयुक्त ऑपरेशन गांडीव चल रहा है। एक बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना एनईआर रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है। और अभी अभी एक और सूचना मिली है कि एक लावारिस बैग मिला है। आप देख सकते हैं उसी लावारिस बैग की तलाश में जो BDDS है, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, वो निकल गया है। और NSG की एक टीम है, आप देख सकते हैं सीनियर अफसर यहां मौके पर पहुंच गए हैं, जिनकी अगुवाई में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ATS के सीनियर अफसर हैं और NSG के अफसर अब किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। यूपी ATS के भी तमाम कमांडो आगे बढ़ गए हैं। जानकारी मिली है कि एक लावारिस बैग मिला है। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंकी विरोधी अभियान के तहत मॉक ड्रिल की हैं। एनएसजी के कमांडोज एक्शन में हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने फर्ज की राह पर यूपी ATS के कमांडो भी अडिग दिखे। दरअसल लखनऊ की सुरक्षा की अहमियत को समझते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनएसजी के साथ मिलकर ये बेहद अहम ड्रिल पूरी की है। इस ड्रिल में मुंबई की 2611 जैसे किसी भी अनहोनी को वक्त पर ही नाकाम करने और आतंकियों के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का रिहर्सल किया गया। इस ड्रिल के लिए लखनऊ के 3 अहम पॉइंट्स को चुना गया, लोक भवन, चारबाग रेलवे स्टेशन और प्लासियो मॉल। ड्रिल की शुरुआत हुई एक अलर्ट के साथ। अचानक तमाम सुरक्षा एजेंसियों के सिक्योर कनेक्शंस पर अलर्ट आया। खबर ये कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकवादी बम फेंक कर फायरिंग करते हुए मवैया की तरफ फरार हुए हैं। जैसे ही ये अलर्ट मिला कि यूपी पुलिस एक्टिव हो गई। लेकिन अभी पहले अलर्ट पर एक्शन की तैयारी चल ही रही थी कि दूसरी खबर भी आती है। चारबाग रेलवे स्टेशन से यहाँ वेटिंग हॉल के अंदर एक लावारिस बैग मिला है और आशंका है कि इसके अंदर हाई इंटेंसिटी बॉम्ब हो सकता है। फौरन बॉम्ब स्क्वाड को मौके पर रवाना करने की तैयारी होती है। लेकिन इसके बाद तीसरी खबर आती है प्लासियो मॉल से। यहाँ एक कार में बम ब्लास्ट हुआ है। हालात की गंभीरता को मापने के बाद फैसला ये होता है कि अब ऐसी स्थिति के लिए विशेष तौर पर ट्रेंड टीम को बुलाया जाए। यूपी ATS की टीम मौके की तरफ बढ़ती है और इसी बीच एंट्री होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ब्लैक कैट कमांडोज की। रेलवे स्टेशन पर एक बम रखा है, बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है, लेकिन दिक्कत है कि कहीं से कोई छिपा आतंकी फायरिंग न कर दे। इसके लिए आगे आते हैं एनएसजी के जाबाज। स्टेशन के हर कोने को सिक्योर किया जाता है, मॉडर्न वेपन्स
और हाईली ट्रेंड ये कमांडोज पूरे स्टेशन को अपने घेरे में लेते हैं और शुरू होती है बम को डिफ्यूज करने की मुहिम। बीडीडीएस के जवानों की टीम पहुंचती है और लावारिस बैग को स्कैन कर कंफर्म किया जाता है कि बैग के अंदर क्या है। इसके बाद शुरू होती है बैग को सेफ साइट पर पहुंचाने की प्रक्रिया, ताकि बैग के अंदर अगर कोई खतरा हो तो उसे वक्त रहते खत्म किया जा सके। एक्सरसाइज कि उस बैग में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक या विस्फोटक नहीं मिला है। एक यात्री का बैग था वो, जो किसी काम से अचानक तबीयत खराब होने पर वो बाहर निकल गया था, लिहाजा उसका बैग कुछ देर के लिए यहाँ पर लावारिस हालत में था और अब वो बैग बरामद भी कर लिया गया है और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड ने कंफर्म कर दिया उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी होती है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषमण त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। जम्मू कश्मीर के राजौरी अनंतनाग में एनकाउंटर के बाद भारतीय सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल अनंतनाग में 3 अफसर शहीद हो गए हैं। अब सुरक्षा बल आतंकियों पर तगड़ा प्रहार करेंगे। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एनकाउंटर। राजौरी के बाद अनंतनाग में भारतीय सेना का ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 अफसरों की शहादत के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। अनंतनाग में आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। कोकीरनाग के गडोले के जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। इस इलाके में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में आज आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। जबरदस्त फायरिंग का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। ऐसा लगता है कि कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। बहुत जबरदस्त, आप सुन सकते हैं, फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ यही वो स्पॉट है जो मैं दिखा रहा था। वहाँ पे अंधाधुंध इस वक्त फायरिंग चल रही है, उसका मतलब है कि मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। फायरिंग का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। आप उसका मतलब है कि मिलिटेंट जो है इसी स्पॉट पे हैं जिनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है और एक लंबे अर्थी के बाद अभी फायरिंग शुरू हुई है। फ्रेश फायरिंग हो रही है और ये वही स्पॉट है जैसा मैं पहले भी दिखा रहा था, जहाँ पे बॉडी रिट्रीव की गई है। उसका मतलब है कि इसी स्पॉट के इर्द गिर्द कहीं पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फायरिंग जो हुई उसका मतलब है कि कॉन्टैक्ट आप एस्टैब्लिश हुआ है। मैं देखिए, ये जो पहाड़ का एरिया है, यहाँ पर ये छुपे हुए थे वो स्पॉट है। उसी स्पॉट पे अभी फायरिंग हुई और यही वो जंगल है जहाँ पे पहले कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था। जो अभी लगातार फायरिंग हुई उसका मतलब है कि मिलिटेंट अभी भी इसी एरिया में छुपे हुए हैं। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत हुई। ये इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। पड़ोसी पाकिस्तान है और सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ करवा रहा है और कश्मीर में आतंक की आग में झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अनंतनाग और राजौरी में हुए आतंकी हमलों के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान से बदला लेने की मांग करते हुए जोर शोर से नारेबाजी की कि जो पाकिस्तान है उसी का ये कसूर है, उसी का रिस्पांसिबिलिटी है, उसी की इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोटेस्ट में। और लगातार बीजेएमएम के जो प्रोटेस्टर है वो अब सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार आप विजुअल्स में देख रहे हैं, जिस तरह से पहले राजौरी में और फिर कुकरनाग में जो किलिंग्स हुई है, जो हमारे शहीद हुए हैं जवान ऑफिसर्स आर्मी के और पुलिस के, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और बीजेएम नहीं, उसके बाद बीजेएम के बाद और भी कई जगहों पे ये प्रोटेस्ट का सिलसिला चलेगा। और फिलहाल बीजेएम के जो वर्कर है उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि
जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वही रेस्पॉन्सिबल है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। अनंतनाग में सेना के अफसरों को खोने से उसका परिवार गमगीन है, जिससे उनके चेहरे पर भी दर्द साफ देखा गया। जीजा जी सुरेश हमारे साथ हैं। सुरेश जी बहुत दुख की घड़ी है, कैसे जानकारी मिली, कैसे ये खबर आपके घर तक पहुंची? कल सबसे पहले उनके यूनिट से उनके किसी दोस्त का फोन आया था कि भाई यहाँ मुठभेड़ हो रही है और आशीष काफी इंजर्ड हो गया है। सबसे पहले कोलिया ही आई थी, उसके बाद फिर परिवार के पास कोई डायरेक्ट कॉल नहीं आई, मीडिया से फिर श्याम को पता लगा कि वे बस शहीद हो चुके हैं। उनका एक बच्चा भी है, पत्नी ज्योति है और तीन बहनों में अकेले भाई थे। घर में किस तरीके से उनका आपस में सबसे मेलजोल था, जो अब बीच में नहीं है तो बस याद करने के लिए? वो बहुत हंसमुख था, बड़े मजाक किया सबका था। जब भी वो आता था अपने बहनों को अपने पास बुलाता था, उनके साथ आउटिंग पे जाता था, भाई मैं इतने दिनों बाद आया हूँ। बल्कि वो खुश होते थे भाई हम बाहर का खाना खाएंगे, वो कहता नहीं मैं घर का खाऊंगा, घर से खाना खा के तब उनको लेकर डिनर करवाने जाता था या बाहर घूमने जाता था, सबसे मिल के रहता था। उनकी मेजर बनने की जो कहानी है वो कहते हैं कि बचपन में जैसे पुलिस जो सिपाही का जो खेल बच्चे खेलते हैं और चाचा भी एयरफोर्स में थे, तो कहीं ना कहीं घर से प्रेरणा मिली कि देश के लिए काम करना है, देश सेवा में जाना है। हाँ जो अपने चाचा से इंस्पायर थे ज्यादा, उन्हीं को देख के उन्होंने सोचा था, उनका एक सपना था कि मैंने डिफेंस में जाना है। घाटी में जिस तरह सुरक्षा बल आतंक का फल कुचल रही है उससे पाकिस्तान बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। वो लगातार आतंकियों की घुसपैठ कर रहा है, लेकिन भारतीय जवान उनकी हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे न्यूज 18 के साथ।